क्या कोई देवता वास्तव में जन्म ले सकता है या वह केवल समय से परे अस्तित्व में है? दिव्य और ब्रह्मांडीय शक्तियों के संगम स्थल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के रहस्यमय जन्म और उनकी गाथा का अन्वेषण करेंगे जो समय की सीमाओं को पार करते हैं। स्वर्गीय निवास में भगवान शिव और देवी पार्वती के वैवाहिक उत्सव के बीच एक अनूठी चुनौती आती है। भगवान शिव को अपना वंश घोषित करना पड़ता है। दिव्य सभा के बीच मुख्य पुजारी महादेव से उनके पूर्वजों के बारे में पूछताछ करते हैं। शिव तीन बार पूछे जाने पर भी मौन रहते हैं, जिससे सभी चकित और चिंतित हो जाते हैं। नारद मुनि आगे आकर चुप्पी तोड़ते हैं। वे घोषित करते हैं, भगवान शिव का कोई मानवीय वंश नहीं है, उनका एकमात्र पूर्वज आदिमनाद ओम है। उन्होंने स्वयं को शून्य से सृजित किया, वे सभी अस्तित्व के आदि और अंत हैं। बद्रीनाथ एक शांत एकांत स्थल एक बार एक असाधारण खगोलीय घटना का साक्षी बना। हमारी कथा और गहराई में जाती है क्योंकि हम भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक आकाशीय विवाद को याद करते हैं। प्रत्येक श्रेष्ठता का दावा करता है, उनकी बहस से एक अनंत प्रकाश स्तंभ का जन्म होता है जो अकल्पनीय को प्रतीक करता है। इस स्तंभ के छोरों को खोजने की कोशिश में ब्रह्मा एक हंस में परिवर्तित होकर आकाश की ओर उड़ते हैं और विष्णु एक वराह में परिवर्तित होकर पृथ्वी को खोदते हैं। उनके दिव्य प्रयासों के बावजूद स्तंभ के छोर उन्हें नहीं मिल पाते हैं। जैसे उनकी खोज निष्फल साबित होती है, स्तंभ फट जाता है और उसके मूल से भगवान शिव प्रकट होते हैं, सृजन संरक्षण और विनाश की सच्ची शक्ति को विकीर्ण करते हुए। इस तरह शिव एक सामान्य रूप से जन्मे भगवान नहीं, बल्कि समय और स्थान की सीमाओं से परे एक अनंत शक्ति का रूप है। भारत की पवित्र भूमि में भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिसे ज्योतिर्लिंग में पाया जाता है। ये लिंग उनके निराकार अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांड के चक्र में उनकी सर्वव्यापीता को दर्शाते हैं। हिमालय की गहरी शांति में ओम की गूंज सुनाई देती है, जो शिव की अनंत उपस्थिति का प्रमाण है। यह हमें अस्तित्व और ब्रह्मांड के विस्तृत रहस्यों पर चिंतन करने का निमंत्रण देता है। हमारे साथ दिव्य रहस्यों और देवताओं की किंवदंतियों की खोज जारी रखें। अगर आपको अपने वास्तविक इतिहास पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।